X3 Pro जो कल ही ग्लोबली लॉन्च हुआ है, ये Poco X3 का अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं, जो 2020 का बेस्ट बजट स्मार्टफोन था। Poco X3 Pro में फ्लैगशिप ग्रेड चिपसेट, अपग्रेडेड प्रोटेक्शन, न्यू डिज़ाइन और भी बहुत कुछ नया दिया है। तो आज मैं Poco X3 Pro का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेकी स्ट्रीट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। तो ये है ब्लैक और येलो शेड में Poco X3 Pro का बॉक्स, और येलो लेटर्स में Poco X3 Pro की ब्रांडिंग दी गई है। तो बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं और एक बॉक्स देखने को मिल जाता है, उसके नीचे Poco X3 Pro फोन देखने को मिलता है। बाद में वही 33 वोल्ट फास्ट पावर एडाप्टर देखने को मिल जाता है और टाइप सी टू टाइप ए केबल देखने को मिलता है, और बॉक्स में क्लियर केस और सिम इजेक्टर टूल तो देखने को मिलता ही है, जो आजकल सभी फोन्स में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले Poco X3 Pro की डिज़ाइन और बिल्ड की बात करते हैं। यहाँ पे मटेरियल में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, वही कर्व्ड प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाता है। बैक में डिज़ाइन सेंटर में मेटालिक फिनिश देखने को मिल जाती है और साइड में बहुत सारी स्ट्रिप्स देखने को मिलती है, यानी बैक टू टोन्स में देखने को मिल जाएगा। और सेंटर में इस बार बड़ा सा Poco का ब्रांडिंग दिया गया है, जो मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है। यहाँ पे कैमरा बम्प भी X3 की तरह सेम वाइट शेप में देखने को मिल जाता है, और इस फोन का कलर फ्रॉस्ट ब्लू है। इसके अलावा और दो कलर्स मिल जाते हैं, फैंटम ब्लैक एंड मेटल ब्रॉन्ज। कलर्स के नाम तो बहुत ही डासू दिए हैं। फ़ोन का वेट मुझे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगता है, इतना पतला नहीं है, यानी सिंगल हैंड से ऑपरेट करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है इस फोन में। फ़ोन में सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, जो अच्छा काम करता है। इसके अलावा फेस अनलॉक का भी फीचर मिल जाता है। बॉटम में 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये फ़ोन अपने जो गेमर्स भाई लोग हैं उसके लिए बना है, तो 3.5mm ऑडियो जैक तो मस्ट है इस फोन में। फ्रंट में आ जाए तो 6.67 इंच की पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये सिमिलर डिस्प्ले है X3 की तरह ही देखने को मिलती है, कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, वही फुल HD+ रिजोल्यूशन और ये IPS पैनल देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यानी इसमें जो UI का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्मूथ मिल जाएगा। आप फ़ोन में स्वाइप करते हैं तो जो एनिमेशन देखने को मिलेगी वो भी काफ़ी स्मूथ मिल जाएगी। वैसे आप इसमें 60 हर्ट्ज की स्टैंडर्ड डिस्प्ले भी रख सकते हैं। फ़ोन में डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, बेजल्स भी कम देखने को मिल जाती है, लेकिन अभी यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे आप HDR कंटेंट प्ले नहीं कर पाएंगे, इसका सपोर्ट अभी तक नहीं है, शायद फ्यूचर में अपडेट के बाद मिल जाए। और एक अच्छी बात, इस बार स्क्रीन के प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 6 का इस्तेमाल हुआ है, जो बहुत ही अच्छी बात है। जो X3 के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता था, वो यहाँ पे 6 मिल गया, तो ये यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। और IP53 की रेटिंग तो मिलती है इसमें, तो थोड़े बहुत डस्ट और पानी से बचा सकते हैं। Poco X3 Pro में कैमरे की बात करें तो यहाँ पे डाउनग्रेड किया गया है, 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया है, लेकिन Poco X3 में मेन जो कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा था वो 64+13 का दिया गया था, लेकिन यहाँ पे डाउनग्रेड क्यों किया है। फ्रंट में सेम ही 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन में 4K वीडियो 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसका डिटेल कैमरा रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं जल्दी ही इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। Poco X3 Pro में परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा अपग्रेड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन की 860 ऑक्टाकोर चिपसेट दी गई है, जो 865 से थोड़ी ही कम परफॉर्म करती है, लेकिन ये एक फ्लैगशिप ग्रेड की चिपसेट है, यानी गेमिंग में परफॉर्मेंस बहुत ही डासू मिलेगा। और इसका गेमिंग रिव्यू तो मैं कल दोपहर को अपलोड करने वाला हूँ, अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाए, ताकि आपको कल दोपहर को नोटिफिकेशन मिल जाए। फ़ोन में 6 और 8 GB की रैम ऑप्शन मिल जाएगी, वो भी LPDDR4। और स्टोरेज की बात करें तो 128 और 256 GB का स्टोरेज ऑप्शन मिलता है, और स्टोरेज यहाँ पर UFS 3.1 मिलती है, जो बहुत ही अच्छी बात कह सकते हैं। फास्ट रिफ्रेश रेट, फास्ट स्टोरेज और फास्ट चिपसेट का बढ़िया कॉम्बिनेशन है, तो परफॉर्मेंस तो इसमें आउटस्टैंडिंग मिलने वाला है। Poco X3 Pro में OS की बात करें तो MIUI 12 पे चलता है, जो बेस्ट है Android 11 के। तो यहाँ पे टन्स ऑफ फीचर्स मिल जाएंगे, UI का एक्सपीरियंस स्टॉक Android जैसा मिलेगा, लेकिन प्री इंस्टॉल्ड है बहुत सारी मिल जाती है। इवन ग्लोबल वर्जन में तो PUBG भी प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पे एड बहुत सारी देखने को मिलती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, कभी कभार ये बहुत ही इरिटेटिंग सा हो जाता है। Poco X3 में बैटरी की बात करें तो 5160mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो एवरेज यूज पे 1.5 से 2 दिन आराम से चलेगी। और यहाँ पे 33 वोट का पावर एडेप्टर देखने को मिल जाता है, जो करीब 1 ही घंटे में 0 to 100% बैटरी को चार्ज कर देगा।
मैं यहाँ पर एक बात बताना भूल गया हूँ, फ़ोन में कूलिंग सिस्टम के लिए कॉपर हीट पाइप देखने को मिल जाती है जिसके अंदर लिक्विड रहता है। उसके अलावा यहाँ पे ग्रेफाइट का लेयर भी देखने को मिलता है, जो अगर आप हाई एंड गेमिंग करते हो तो ऑब्वियसली फ़ोन तो हीट होगा ही, तो उसके अगेंस्ट ये कूलिंग सिस्टम लगाई गई है। इसके अलावा स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो बहुत ही लाउड बजते हैं, और NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है। पोको X3 Pro की प्राइस की बात करें तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखी गई है। कल ग्लोबली लॉन्च हुआ तो यूरोप में इसकी जो प्राइस है वो 199 यूरो रखी गई है, अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो करीब 17,000 तक होती है। तो दोस्तों कंक्लूजन पे आए तो पोको F1 जैसी ऑफर लग रही है मुझे यहाँ पे, फ्लैगशिप ग्रेड चिपसेट वाला फ़ोन इतनी कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल रहा है। साथ में यहाँ पे फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाती है, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाता है, यानी गेमिंग में तो बहुत ही डासू होगा है। बस कैमरा डाउनग्रेड दिया है, बाकी अगर यही प्राइस में इंडिया में लॉन्च होता है तो गेमर्स भाई लोग के लिए ये 100% वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होगा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस फ़ोन के बारे में, कौन सी प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए और कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। और दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और ऐसे ही क्वालिटी वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।